कश्मीर के मामले में रोना रोने वाले इमरान को अब उनके देश में ही लोगों ने आईना दिखाना शुरू कर दिया है। उनके इस रवैये से पाकिस्तान की अब हवा टाइट हो गई है। तभी तो कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की राय आपस में ही बटी हुई है। एक मंत्री जंग की बात करता है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का ही मंत्रालय कहता है कश्मीर के मामले में नाक कट सकती है, रहने दो, जितना रोना है, जितना तमाशा करना है, जितनी बहानेबाजी करनी है सब घर में करना, बाहर मत करना वरना इंडिया वाले धो देंगे। जी, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने से बौखलाए पाकिस्तान की अक्ल अब ठिकाने आने लगी है। अब उसने भी मान लिया है कि कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। पाकिस्तान ये समझ चुका है कि अगर वो कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय लेकर जाता है तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी। दरअसल पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने इमरान खान को बताया है कि पाकिस्तान सरकार कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नहीं ले जा सकती। भारत और पाकिस्तान के बीच कोई ऐसा समझौता नहीं है जिसके तहत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाया जा सके। इसके साथ ही पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने इमरान खान को संतावना देते हुए कहा है कि कश्मीर मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र महासभा या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर उठाया जा सकता है, जहां से इसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ले जाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान की किस्मत ऐसी फूटी हुई है कि उसे पहले ही संयुक्त राष्ट्र महासभा से मुंह की खानी पड़ी है। आपको बता दें कि इससे पहले पाकिस्तान अपने पालनहार चीन से कश्मीर मामले में हस्तक्षेप के लिए गड़गड़ा रहा था तो चीन उसको पुचकारते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद लेकर गया, लेकिन उसको वहां भी 370 वोल्ट के झटके ही लगे। ऐसे में जो बयान पाकिस्तान के कानून मंत्रालय की तरफ से आया है उससे तो यही लगता है कि पाकिस्तान भी इस बात को मान चुका है कि कश्मीर मसले को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं उठाया जा सकता। ऐसे में हम तो ये भी नहीं कह सकते कि पाकिस्तान को दिल बहलाने के लिए कश्मीर का ख्याल अच्छा है, क्योंकि मामला अब कश्मीर से आगे निकलकर पीओके तक जा पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।